गाइस वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है रियांश और मेरे चैनल का नाम है रियांश श्रीमल। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियोस में देखा कि हम मथुरा आए थे चाचा की वेडिंग के लिए और वहाँ बहुत सारे फंक्शंस हुए थे जैसे कि हल्दी मेहंदी और भी। और उसके बाद आज मेन फंक्शन है जो कि है चाचा की शादी। चलिए अब हम लोग साथ में चलते हैं शादी में। गाइस यहाँ पे चाचा का टीका हो रहा है और टीका करने के लिए आए हैं मेरे दोनों फूफा जी। और गाइस अब चाचा को पगड़ी पहनाई जा रही है। अब चाचा लग रहा है ना पूरी तरीके से दूल्हे राजा। तो गाइस अब जो आप छोटा सा प्यारा सा बच्चा देख रहे हैं वो हूँ मैं और जिसका होने वाला है टीका। अब लग रहा है चाचा को काजल जो कि ताई जी और मम्मा ने किया था। गाइस चाचू यहाँ मेरे से डील कर रहे थे कि जितना पैसा मिलेगा आधा मेरा आधा तेरा। तो अब आप बताइए कि ये डील सही है या फिर पूरा मेरा या फिर पूरा उनका होना चाहिए। चाचू पूरा कंसंट्रेट कर रहे हैं लिफाफे इकट्ठा करने में। गाइस मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, आपको कैसा लग रहा है? गाइस ये है मिन्नी बुआ जो कि है विज्ञान भैया की मम्मी और ये है छवि बुआ जो कि है खुशी दी की मम्मा। सब लोग को बहुत ही मजा आ रहे हैं, आपको कितने मजे आ रहे हैं? गाइस अब होने वाली है घोड़ी पे चढ़ने की तैयारी और अब आने जा रहे हैं पल्लू चाचा के मम्मी पापा जो है मेरे दादा दादी। गाइस तो अब चाचू बैठ चुके हैं घोड़े पे और अब लेने जा रहे हैं चाची के। तो गाइस आपको एक बात पता है कि घोड़ी के आगे जाने से पहले मुझे डांस करना था चाचू के साथ। तो देखिए मैं यहाँ पहुँच गया, आपको दिख रहा हूँ मैं यहाँ छोटू सा। कौन गाइड करा रहा है डांस कराने में? ना ना चाचू। और गाइस लक्की दादी जो है ना वो फोटोग्राफर को लाए थे मेरी डांस करते पिक क्लिक करवाने के लिए।
भैया, चाचा, दादा, दादी, पापा, मैं, सब लोग। गाइस आप देख ही रहे हैं यहाँ कितना लोग एंजॉय कर रहे हैं, और लोगों के साथ मैं भी कब एंजॉय नहीं कर रहा हूँ। तो गाइस अब हम सब लोग जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने। बहुत ही इम्पोर्टेंट आज दिन है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, मेरे प्यारे बल्लू की शादी है और मंदिर में आए हैं। इस वक्त घुड़चढ़ी का ये समय है और उसके बाद चढ़त होगी। और ये देखिए आज जो मास्टरनी साहिबा हैं कितनी खूबसूरत लग रही हैं, और चमचम करती हुई बेटे की जो शादी है उसमें जो खुशियाँ हैं इनकी वो चमचमा रही हैं। और हम आशा करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि उनकी भावी जिंदगी इसी तरह चमचमाती रहे, रोशनियों से भरी रहे, खुश रहें, उनके बच्चे स्वस्थ रहें और सदा वो भी हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, क्योंकि इन लोगों के साथ ही हमारी मुस्कुराहटें भी शामिल हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं कि मेरी बड़ी जिठानी है, मेरी मदर के तुल्य हम उन्हें मानते हैं ससुराल में। और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है आज के दिन। बहुत बहुत आशीर्वाद हमारा भी भगवान खूब। और ये जो मेरा ब्लॉग है हमारी बच्चे की, इनकी खूब जीवन में खुशियां भरे, बहुत बहुत आशीर्वाद। ये जो मेरा कैमरा मैन है उसको तो कैमरा वुमेन कैमरा वुमेन है जो उसको तो मैं क्या ही कहूँ। जुग जुग जियो बेटा और आपके बच्चे जी। और फिर आगे का वृतांत बाद में बताएंगे। तो गाइस अब चाचू बैठ ले जा रहे हैं बग्गी पे, वो भी मेरे साथ। Yeah।
जो अभी गाने चल रहे हो तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये गाने हैं दादू और दादी के जमाने के गाने। गाइस आपको पता है जो अभी गाना गा रहे हैं वो है कौन? वो है हमारे चुन्नू ताऊ जी। गाइस अभी हम फाइनली वेन्यू पे पहुंच चुके हैं। और गाइस आप देख सकते हैं कि अंजू ताई जी और अर्चना ताई जी भी कैसे मजे कर रही हैं। गाइस मम्मी और बुआ का तो अलग ही सेशन चल रहा है। और गाइस अब आप आगे देखेंगे कि बरातियों का स्वागत कैसे हुआ। गाइस जो सब पे आप पिक्स देख रहे हैं ना, ये बल्लू चाचा की और कृति चाची की प्री वेडिंग शूट की पिक्चर्स है। बहुत अच्छा, तो चलिए अभी चलते हैं स्टेज की तरफ। Oh,
गाइस, आई होप आप लोग भी एंजॉय कर रहे हो जैसे हमारी फैमिली एंजॉय कर रही है। चाची पधार रही है। तो गाइस अब आ चुकी है चाची स्टेज पे और जयमाल का टाइम आ चुका है। जय जय सिंह। और एक बार जोरदार तालियां बजा दे सभी। और अभी चाची चाचू को जयमाल पहना रही है और चाचू चाची को। तो गाइस अभी वो और फूफा जी के साथ पान खाने चलते हैं। प्लेट्स लगी है खाने के लिए, तो कृपया जिसे खाना है वो खाने के लिए आ जाए। और गाइस जो रात में फेरे कन्यादान वो सब होता है वो भी होने वाला है। Yeah, I'm gonna make it.
जी की फिर ताई जी की। और गाइस अच्छा भी दुआ कर रही है गठबंधन। गाइस अब होने जा रहा है फेरे। ओम रामती ते सौभाग्यवती हस्तमयाम कन्यायाम हममत्रे अब फेरे हो गए समाप्त और ऑफिशियली कृति चाची हमारे घर में आ गए। जैसे ध्रुव तारा अपनी जगह स्थिर है, आप दोनों भी अपने आपको आगे से आना है। चलो कल तैयार से आ सकते हैं। देखो चेहरा देखते हुए दोनों चले चलो भैया कृति निर्भिक निकलता सुख दो भर दो चलो तो गाइस यहाँ नेगोशिएशन हो रहा है क्योंकि चाचू के जूते तो चोरी हो गए। तो गाइस फाइनली चाचू को जूते मिल गए और वो जूते अभी पहन रहे हैं। और गाइस अब चाचू के साथ सब लोग गेम्स खेलने। तो गाइस आपको पता है इस गेम में क्या कर रहा था? बल्लू चाचा को अपने पैरों से एक मिट्टी का बाउल तोड़ना था। गाइस अभी चाचा चाचू वाला गेम खेलने जा रहे हैं जो कि मैं स्कूल में खेलता हूँ। कि यहाँ अभी चाची को चाचू की मुट्ठी खोलनी थी लेकिन चाची ने चीटिंग की, खोलनी एक हाथ से थी, उन्होंने दो हाथ यूज की। और गाइस अब चाचू की टर्न है, देखो वो चीटिंग नहीं कर रहे। तो गाइस अभी शादी के प्रोग्राम सारे खत्म हो चुके हैं। तो अभी सब लोग चल रहे हैं, साथ में बल्लू चाचा भी रूम में चल रहे हैं क्योंकि उन्हें सुनाना है छंद।
चलो हम बुलवा देंगे, चलो लाला हम बुलवा देंगे लाओ। नहीं नहीं, अरे फिर भी तुम तो साथ दो अपने पति का, अब तो साथ दो पति हो गया है तेरा। हाँ हाँ, कैसे से ये होता हो, कैसे हो भाई? नहीं 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 गलत कह रही लड़की, कौन शुरू करेगा? लेडीज फर्स्ट। सीख लो किसी, तुम्हें वहां जाके तुम्हें भी सुनाने हैं, और कम से कम 10 फर्स्ट एंड लास्ट। चलो छन पकाऊं, छन पकाऊं, छन के ऊपर रखा लोटा, यहाँ मौजूद सभी छोटे बड़ों को मेरा सत्प्रेम नमस्ते। ये तो बहुत मेहनत से प्रिपेयर किया मैंने, इंस्टेंटली छन पकाऊं, छन पकाऊं, छन के ऊपर काला, अगला छन तब सुनाऊं जब मालदीव की टिकट करा के देगा मेरा साला। अरे यार तीसरा तो हेल्प करो, तीसरा। अरे पहले मालदीव से टिकट तो मिलने दे। अरे वो तो ले, अरे बर्फी कर, बर्फी कर, बर्फी 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 बर्फी। अरे इतना एक बार छन पकाओ, छन पकाओ, छन के ऊपर बर्फी। इतने साल पास रखे नहीं सका भाई, अब दो मिनट में सगाई। अरे हम छन के ऊपर बर्फी, अगला छन तब सुना के खाली देगी पप्पी। शर्मी से पप्पी मांग रहा था, शर्मी बोल रहे थे झप्पी भी नहीं मांगे। अरे झप्पी दे दो भाई साली साहेबा, पप्पी ना सही तो। चलो भैया आ जाओ, हाँ झप्पी लो, चलो भैया चलिए नेक्स्ट। चौथा वाला बहुत टफ हो रहा है। छन पकाऊं, छन पकाऊं, छन के ऊपर लोटा, छन के लोटा हो गया। हाँ, अभी आगे बाबा का नाम प्रकाश चंद की पोती को ब्याह में आया भगवान दास का लड़का। बाबा का चार छन कंप्लीट करे मैंने, चार इतने स्टेप्स के मार्क्स तो मिलते हैं। छन पकाऊं, छन पकाऊं, छन, अरे यार 90% पे तो हम अपने आप को दे देते। छन पकाऊं, छन पकाऊं, छन के ऊपर लोटा, प्रकाश चंद की पोती को ब्याह में आया भगवान दास का पोता। बहुत बढ़िया, हमने कहा ना दो मिनट में याद आ जाएगा यार, बस खजाना खत्म। ये बहुत मेहनत, एक्स्ट्रा कॉपी नहीं ली, एक्स्ट्रा कॉपी तो हम लेते ही नहीं, गुड मार्क्स के जितना मिलना इतना मिल जाए बस। क्योंकि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कॉपी में भी हम पहले एक्स्ट्रा वो एक्स्ट्रा थिक बॉर्डर बनाते हैं, उसके बीच में लिख देंगे। चलो चलो, बहुत सही हार्दिक, प्राउड ऑफ यू। अब क्या करें, मजे आए, ये लास्ट मिनट की स्टडी है जो काम आई है। और अभी शादी के
सारे प्रोग्राम्स खत्म हो चुके हैं और बारात लखनऊ जा रही है और एक कैंडिडेट उसमें और बढ़ चुका है जो कि है प्रीति चाची। और गाइस अब हम भी दिल्ली के लिए निकल चुके हैं नोना चाची के साथ। रास्ते में सोचा थोड़ी पेट पूजा हो जाए तो हमने खाए आलू के पराठे और कुल्हड़ वाली चाय। पराठे और चाय तो बहुत ही यम्मी थे। और गाइस अभी मुझे नोना चाचा निशा और मना की वीडियोस दिखा रहे हैं जो कि आप जानेंगे कि कौन है बाद में। तो गाइस हमने कर दिया चाचू को एयरपोर्ट पे ड्रॉप और अभी हम सीधा जा रहे हैं अपने घर। तो गाइस ये जो बॉक्स है ये भाजी वाला बॉक्स है जो कि प्रीति चाची और चाचू के वहां से आया था और इसके अंदर जो मिठाइयां और नमकीन थी बहुत ही टेस्टी थी। तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।